Hey everybody, this is Manas and you're watching the Transformation Factory. Guys, fat loss के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हमने बहुत सारे supplements के बारे में बात करा और अभी तक ज़्यादातर मेरे ख्याल से जो supplements हमने discuss करा है वो सारे useless supplements थे. आज हम एक ऐसे supplement के बारे में बात करने वाले हैं जो actually काम करता है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. काम करता है लेकिन बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं. कुछ कंडीशंस हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए उसे लेना पड़ेगा. अब मैं जब बोल रहा हूँ ये काम करता है, इसका ये नहीं मतलब हुआ कि ड्रास्टिकली कोई एक बहुत बड़ा मैजिकल सप्लीमेंट है, बहुत कुछ ज़्यादा आपका एक वास्ट डिफरेंस लेके आता है. तो ये काम करता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत मॉडेस्ट आता है, यानी डिफरेंस आपके नॉर्मल फैट लॉस से बस हल्का सा ज़्यादा डिफरेंस लेके आता है. तो इसको आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए एंड कैसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. जैसे कि अगर आपको ऑलरेडी किसी टाइप की एंजाइटी, किसी टाइप का आप मेडिकेशन लेते हैं, स्पेशली कोई स्टिमुलेंट्स लेते हैं, तो उसके साथ ये रिएक्ट करता है. अगर आपको ऑलरेडी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम है तो उसको ये और वर्सन कर सकता है. साथ ही साथ क्योंकि एक स्टिमुलेंट है, आपके हार्ट रेट को भी ये एलिवेट करता है, आपके बीपी को भी ये एलिवेट करता है, या फिर ऑलरेडी आप किसी तरह के कोई न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसके साथ ये इंटरैक्ट करता है. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये काम किस तरह से करता है गाइज, ये आपके फैट मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है और जो फैट इमोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है. यानी फैट को आपके जो डिपोजिटेड फैट है उनको निकाल कर आपके ब्लड सर्कुलेशन में डालता है. इस तरह से ये काम करता है. लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें क्लेम की जाते हैं और किसी रिसर्च में साफ साफ इस बारे में नहीं लिखा है. क्लेम ये किया जाता है कि आपके स्टबर्न फैट जो होता है, जैसे कि आपके लोअर टमी रीजन में, आपके थाई रीजन में, आपके बटक्स रीजन में, उसको ये कम करने में मदद करता है. एंड साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है. यानी हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा इसका इफेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी रहता है. ये भी क्लेम किया जाता है कि ये आपके एपिटाइट को भी सप्रेस करता है. तो देखा जाए इसके जो बेनिफिट्स है बाकी दूसरे जो हमारे यूजलेस फैट लॉस सप्लीमेंट्स थे उनसे थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ मैजिकल सी चीज़ नहीं है. एंड क्योंकि इतने सारे इसके साइड इफेक्ट है, स्पेशली अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपके लिए और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. बेसिकली ये जो योहिम्बिन है ये आपके दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि आपका लिबिडो को लेकर, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर, या फिर किसी भी तरह से मेडिकल जो इश्यूज हुआ करते थे उनके लिए था. लेकिन फैट लॉस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाने लगा. तो अगर आपको किसी भी तरह से इस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स है और आपको लगता है कि मैं योहिम्बिन को लेकर अपने आप को सही कर लूंगा, तो इस तरह से आपको नहीं करना है. आपको हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाना, उनके सलाह के मुताबिक आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए. एंड साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह से आपको कंडीशंस थी, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन, आपको बाइपोलर इश्यूज़ है, तो उन केसेस में, या फिर आपको कुछ हार्ट इश्यूज़ है, आपको बीपी की इश्यूज़ है, तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें. तो देखा जाए ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रिस्कियर सी चीज़ है. आपको यूं ही बस ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ओबीस हैं या फिर ओवरवेट हैं, इसको बस यूं ही इस्तेमाल ना करें ये देखते हुए कि भाई हाँ ये काम करता है. जैसे कि मैंने कहा इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कोई आपको वास्ट डिफरेंस लेके नहीं आएगा. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा अपने आप को लीन मोड पे लेके जाना चाहते हैं और अपने कटिंग फेज के एंड में वो जो थोड़ा सा आपका फैट रह जाता है, जो कि एक स्टबन फैट कह सकते हैं, जो कि जिसको आपको कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर उस पॉइंट पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ओबीस हैं, थोड़ा सा फैट परसेंटेज ज़्यादा है, ओवरवेट भी है, तो वहाँ पर आपका फैट मोबिलाइजेशन जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. आपके नॉर्मल ट्रेनिंग एंड एक कैलोरी डेफिसिट से ये काम हो सकता है. तो आप इसको हमेशा बस ऐसे ही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें उसके कंपैरिजन में जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है. तो तभी इस्तेमाल करें जब आपको स्टेज पे जाना है, काफ़ी ज़्यादा लीन होना है, फोटोशूट्स करना है, यानी आपको फैट परसेंटेज काफ़ी नीचे लेके जाना पड़ता है, जैसे कि 10, 12 इवन 8 के पास लेके जाना पड़ता है, उस कंडीशन में आप इस्तेमाल करें. सो बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में. गाइज इसको आपको 0.2 mg यानी मिलीग्राम
पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको लेना है, ये आपका एक सेफ अमाउंट पाया गया है इनटेक करने के लिए। लेकिन इस अमाउंट को शुरू करने से पहले आपको हमेशा एक बार अपने आप को असेस कर लेना चाहिए, एक बार अपने आप को टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या आप इस डोज को टॉलरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटे डोज से शुरू करना है, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा कर आपका ये जो मैंने बताया 0.2 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट आप वहाँ तक आ सकते हैं। एंड ध्यान रखना, इसको आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, यानी आप इसको बिटवीन द मील्स ले सकते हैं जहाँ पे आपका डाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है और आपके पेट में कोई खाना ऐसा नहीं पड़ा हुआ, या फिर आप इसको फास्टेड स्टेट में भी ले सकते हैं। तो ये एम्प्टी स्टमक ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। सो गाइस, ये थी आज की सारी वीडियो यूहिम बीन को लेकर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए मेक श्योर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।